इसलिए अभी तत्काल नगर निगम फेल्योर है काम करने में, हो पा रहा है मच्छर का अंबार लगा हुआ है, उसका भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। जिला प्रशासन और दिन भर जो तीन चार गाड़ी खरीदाया है पानी पटाने के लिए, प्रदूषण खत्म करने के लिए, वो सब गाड़ी का उपयोग नहीं हो पा रही है। मनमानी प्राइवेट जमीन पर नाला खोद देना, उसका सुनने पर नोटिस हो जाना कि भाई केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, ये ठीक बात नहीं। शहरी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के चल रहे धीमे निर्माण कार्य के कारण हो रहे जल जमाव ने पिछले साल के जख्मों को ताजा कर दिया है। लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। शहर के अधिकतर मोहल्ले गंदे और बदबूदार पानी की मार झेल रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले साल इसी तरह के जल जमाव ने विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदल दी थी, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले निकाय चुनाव में वही बात दोहराई जाए। निकाय चुनाव में शहर को जल जमाव से निजात दिलाने का वादा कर पार्षदों ने जीत हासिल की थी। 5 साल पूरे होने को है लेकिन समस्या से निजात नहीं मिला। वार्ड 6 के ब्रह्मपुरा स्थित ज्ञान लोक गली के आधा दर्जन परिवार घर छोड़कर जाने को मजबूर हो चुके हैं। कारण, घरों में नाले का पानी घुस गया है, उससे होकर मेंढक और सांप घुस रहे हैं। शहर के वार्डों के अधिकतर गलियों में जल जमाव के कारण नारकीय स्थिति है। वहीं जल जमाव के कारण मोहल्ले के दर्जनों परिवारों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। गली नाली में तब्दील हो गई है। आपको बता दें कि 17 फरवरी 2021 को उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मुजफ्फरपुर जिले के तमाम अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में जल जमाव से जल्द निजात दिलाने को कहा था, पर बैठक के 1 वर्ष 2 महीने बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री के आदेश को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आज भी शहर जल जमाव की पीड़ा झेलने को मजबूर है। जब इस संदर्भ में पूर्व मेयर सुरेश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गंदी राजनीति के कारण शहर का विकास बाधित हो रहा है, अधिकारी निगम के पार्षदों की नहीं सुनते। वहीं वर्तमान मेयर राकेश कुमार पिंटू का कहना है कि वह भी स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के धीमे गति से हो रहे कार्यों से खुश नहीं है। वहीं नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि वह जल्द ही स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन और धरना देने जा रहे हैं। जनता के हित में काम होना चाहिए और ये मनमानी प्राइवेट जमीन पर नाला खोद देना, उसका सुनने पर नोटिस हो जाना कि भाई केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, ये ठीक बात नहीं है। उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सत्य की सीमा है, बहुत बर्दाश्त हुआ, काम तेजी लाए प्रशासन और दिन भर जो तीन चार गाड़ी खरीदाया है पानी पटाने के लिए, प्रदूषण खत्म करने के लिए, वो सब गाड़ी का उपयोग नहीं हो पा रहा है। मच्छर का अंबार लगा हुआ है, उसका भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसलिए अभी तत्काल नगर निगम फेल्योर है काम करने में, तो हम निश्चित तौर पर कहेंगे कि इसको इमीडिएट इस समस्या का समाधान हो, आम आदमी को कठिनाई दूर हो। बहुत जगह नाला का खोद करके रख दिया गया है, बहुत जगह बना हुआ नया रोड को काट दिया गया है और इतना स्लो गति है कि आम आदमी परेशान हो रहा है। अब तो 14 तारीख के बाद लगन आ जाएगा तो आम आदमी को शादी विवाह में भी बहुत परेशानी होने वाली है। जो प्रशासन है जो इसका देख रेख करता है, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, इसको इमीडिएट जल्दी से जल्दी काम करावे, जनता को जो असुविधा हो रही है उसको दूर करे। मोती सिंह जैसा जगह पर अभी पानी का जमा हो गया है, शहर के विभिन्न इलाके में जहाँ जाइए उधर धूल उड़ रहा है, प्रदूषण का और पारा बढ़ गया है। जबकि सरकार की गाड़ी, सरकार के द्वारा जो पैसा आवंटित किया गया है उसमें गाड़ियों का अंबार लग गया नगर निगम में। 7 कर्मचारी थे तो सफाई की व्यवस्था बेहतर थी, लेकिन आज 15 कर्मचारी रविवार के लिए अलग से, क्या कहते हैं कि रात के लिए अलग से रखा गया, तब भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो ये फेल्योर हो रहा है नगर निगम। हम चाहते हैं कि इस इमीडिएट काम हो, अब आम जनता को राहत मिले। इसके लिए यदि ज़रूरत होगा तो शहर में आंदोलन किया जाएगा, अगर नहीं मानेंगे तो। काम के नाम पे नगर निगम में परिवर्तन नहीं हुआ है, उसके बावजूद हो कुछ सड़क पे नहीं दिख रहा है। नहीं, काम तो हो रहा है लेकिन काम में गति बहुत धीमा है और आम आदमी को परेशान करने वाला गति है। काम हो रहा है, उसकी योजना से नहीं है। उसकी योजना अभी हमने मेयर साहब से रिक्वेस्ट किया था कि भाई सबका एस्टिमेट मांगिए और सार्वजनिक बोर्ड लगा करके लोगों को बता दीजिए कि क्या छड़ देना है, कितना मोटा है, कितना छोटा है, कितना सीमेंट लगाना है, ये सबका सार्वजनिक तौर पर बोर्ड लगा दीजिए, सब काम जो चल रहा है उसका। क्योंकि आम जनता को मालूम नहीं कि क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, और डिले जो हो रहा है उसके लिए जो दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई कीजिए। एक रास्ता बनता है तो उसके लिए डाइवर्सन बनाया जाता है और यहाँ पे नालों को महीनों बंद कर दिया जा रहा है, उसके लिए बिल्कुल मतलब बिल्कुल नगर निगम के काम से हम पूरी तरह से असहमत है, अप्रसन्न है।
और यदि नगर निगम प्रशासन काम को तेज नहीं किया, जल्दी से जल्दी काम को ख़त्म नहीं किया, तो आने वाले दिनों में जो कठिनाई होगी उसके लिए सड़क पर उतरने का काम भी हम जलजमाव को लेके एक साल दो महीने पहले उप मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ योजनाओं पर चर्चा की गई थी, उन योजनाओं का कुछ हुआ या नहीं? जो चर्चा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साथ किया गया था उसका ऑलरेडी क्रियान्वयन है, वो काम सब चालू हो गया है। शहर में जगह जगह नाले का निर्माण कराया जा रहा है, स्मार्ट सिटी के तहत हो, विभिन्न बुटकों के तहत हो, सभी के अंतर्गत नाले का निर्माण कराया जा रहा है। अभी जैसे आप यहाँ पर हाथी चौक पर कुछ जगह पर पानी का जल जमाव हो रहा है, एक्चुअली थोड़ा सा वो PWD वाले के कारण वहाँ पर वो जाम कर दिया गया था, उसको हम लोगों ने बोला है जल्दी से उसका कार्य करें ताकि वहाँ पर जल जमाव की समस्या नहीं हो। जिस प्रकार का निर्माण कार्य जिस गति से हो रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, इससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, काफ़ी धीमी गति से निर्माण कार्य चल रहा है। इसके बारे में हमने नगर आयुक्त को पत्र लिखा है, वो स्मार्ट सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, हमने उनको बोला है कि जल्द से जल्द तेजी से काम कराया जाए, क्योंकि कछुए के चाल में ये जो कार्य चल रहा है इससे कार्य नहीं होना है। अगर इसी कार्य से इसी धीमी गति से चलते रहेगा तो हमारा शहर जल जमाव से अगली बार बच नहीं सकेगा, इसलिए उनको कड़ा निर्देश दिया गया है कि आप जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करें। मुख्यमंत्री से नगर विकास विभाग के मंत्री के द्वारा आप लोगों ने एक बैठक की थी जल जमाव से निजात को, उसको लेकर अब तक 14 महीने में क्या? देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री समाहरणालय में आए थे, उसमें बैठक हुई थी खासकर जल जमाव पर, क्योंकि हम लोग उनके यहाँ गए थे और स्पेशल रिक्वेस्ट पर आए थे, और हालांकि उनको तो शहर को देखना भी है। तो जल जमाव की स्थिति उस समय समीक्षा बैठक हुई, सारा चीज़ जितने भी अधिकारी थे सबको निर्देश दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये चीज़ का है कि जो मैंने कल परसों आपके मीडिया के माध्यम से मैंने बाइट दिया था कि स्मार्ट सिटी का काम जो हो रहा है शहर में, वो कहीं से अभी तक 25% काम अभी हुआ नहीं है। मेरा ये कहना है अधिकारियों से या प्रधान सचिव महोदय को, मैं पत्र भी लिख लिया हूँ कि भाई बैरिया गोलम्बर से अगर दोनों साइड नाला बनते जाए, एक साइड से काम करते जाए और अघोरिया बाज़ार तक जहाँ तक पास है वहाँ तक एक साइड नाला बने, तो कम से कम जो शहर की पानी है उस नाला में तो कम से जाएगा। उसके बाद जो स्थितियाँ शहर में है जल जमाव की, उस पर कुछ बोलना हमको नहीं है, इसलिए कि जनता देख रही है और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं अभी तो इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले काम किया था, फर्दो नाला का सफाई करवाई थी और अब की बार नगरायुक्त जो है सो ये फर्दो नाला जो हम लोग को पास किया उस पर ही जल जमाव की समस्या निदान करने के लिए बढ़िया सफाई करवा रहे हैं, लेकिन हमको लगता नहीं है कि ये सक्सेस हो पाएगा, क्योंकि शहर में सब जगह गड्ढा खोद खोद के स्मार्ट सिटी द्वारा खोद खोद रख दिया गया है और उसमें जल जमाव हो रही है। ये अच्छी चीज़ है कि कल नगर आयुक्त महोदय ने बैठक की है, सारे अधिकारियों को बुलाई है और हमको लगता है कि मैंने बयान दिया उसके पास संज्ञान लेते हुए इन्होंने किया है, और उस पर मेरा ये कहना है कि लोग बढ़िया से जल्दी से काम करें। और मेरा सबसे बड़ा एक और चीज़ कहनी है कि हमारे माननीय सांसद महोदय हैं श्री अजय निषाद जी, हमारे अभी नए MLC साहब जीते हैं दिनेश बाबू जी, उसके बाद से 42 सांसद चूँकि वार्ड 1 से ही स्मार्ट काम शुरू हुआ है, तो मेरा उनसे नम्र निवेदन रहेगा कि कृपया आप लोग भी स्मार्ट सिटी पर कृपया एक समीक्षा बैठक करें और इसको देखें, आप लोग अगर लग जाइएगा तो जल्द से जल्द हमको लगता है काम स्मार्ट सिटी का ख़त्म हो जाएगा।